और मंदिर भी भव्य मंदिर बनाकर प्रभु श्री राम को भी स्थापित और दूसरा भी कर ये कमिटेड है। और डबल इंजन की सरकार की चर्चा भी मैं करना चाहता हूं। साथ ही जब डबल इंजन की सरकार होती है तो बिहार में विकास बढ़ते हैं और अपराध रुकते हैं। कट्टो मीठे अनुभव रहे, कभी इधर जाना फिर आना फिर जाना, यह खट्टा मीठा अनुभव है। लेकिन संकल्प फिक्स है, सत्ता के संघर्ष में एनडीए को फिर से सरकार मिलाना। और इस बार मोदी जी को 40 की 40 सीट, जो पिछले बार 39 हो गया था, इसको 40 की 40 सीट जिताकर 400 पार कराना। और हम लोगों ने तो देखा, 2 मार्च को मैंने आयुष्मान भारत कार्ड का शुरुआत किया। इतने गति से, गरीबी का मतलब क्या है, हमारे लोग गरीब हैं। और मैंने तो साफ स्लोगन दिया, आप लोग भी स्लोगन साफ दीजिए, 5 किलो अनाज भी मोदी सरकार दे रही है और 5 लाख तक का इलाज भी मोदी सरकार दे रही है। और मैं तो आश्चर्य करता रहा, 2 तारीख को मैंने इसकी शुरुआत की, पूरे प्रशासन को लगाया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 16 तारीख तक मात्र 14 दिन में 2 करोड़ 20 लाख लोगों का कार्ड बना, 2 करोड़ 20 लाख, मतलब पूरे देश में इतिहास बन गया कि 2 करोड़ लोग कार्ड बनवा लिए, क्योंकि उनको गारंटी है कि मोदी जी का 5 लाख मिलेगा। हमारी बहनें चिंतित रहती थी, माताएं चिंतित रहती थी कि कोई घर में बीमार पड़ जाएगा तो 3 लाख 4 लाख रुपया कहां से लेंगे। अब तो वो कागज दिखाना है, अब किसी भी हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाना है, यही है मोदी जी का। पर लोगों को मैं कहने में कभी संकोच नहीं करता हूं, अभी मेडिकल सेक्टर में बहुत काम करना है। मैं गया विभाग में, उस दिन के लिए मंत्री था उस डिपार्टमेंट में, 45 दिनों तक रहा। मैं यहां तो पूछता था कि नर्सिंग कॉलेज क्यों नहीं बनते, पारा मेडिकल क्यों नहीं हो। हमारे यहां नर्सेस केरला से आती, हमारी बहने जो हिंदुस्तान बिहार में है वो क्यों नहीं ट्रेंड हो। और यदि हमारी बहने ट्रेंड होंगी, स्किल्ड होंगी, तो बिहार में तो हो सकता है 30-40 हजार 50 हजार रुपया तनख्वाह मिले। लेकिन यदि अब्रॉड चले गए तो वही उसको 2 लाख 4 लाख रुपया मंत्री मिलना शुरू हो। हमारे लोग, क्योंकि हम इसलिए गर्व से कहते हैं कि हमसे ज्यादा बुद्धि बिहारी से ज्यादा किसी को नहीं। कारण है कि देश में सबसे बड़ा परीक्षा होता है यूपीएससी और बीपीएससी, यूपीएससी का, तो यूपीएससी देश में, बिहार में बीपीएससी। तो देश में जो यूपीएससी होता है उसमें सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस कौन होता है। तो बुद्धि का मतलब यही ना है, जज बनने के लिए कोई बुद्धि डिग्री लेकर प्रैक्टिस उसके अनुभव के आधार पर जजेस बनते हैं। जिले स्तर पर जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो परीक्षा पास करते हैं। तो सबसे बड़ा परीक्षा हम पास करते हैं, इसका मतलब बुद्धि है, स्किल है। सब बड़े डॉक्टर यहां तो बैठे हुए, हम लोग के गार्जियन, पूरा कालाजार पर इनका जो शोध है दुनिया में किसी के पास नहीं। तो पूरी तरह ये पूरा बिहार को फैकल्टी हब बनाना है, बिहार स्किल्ड करना है। और लाखों की संख्या में हेल्थ डिपार्टमेंट में बहाली भी होनी है, हम उतना स्वस्थ करते हैं। जो हमारा संकल्प है 2020 में
10 लाख सरकारी नौकरी के वादे के साथ हम आए, 7 निश्चय पार्ट 2 एकदम स्पष्ट रही है, 2025 के चुनाव के पहले हम 10 लाख सरकारी नौकरी करेंगे, जिसमें मेडिकल भी लाखों की संख्या में मेडिकल सेक्टर में हमारे लोग भाग लेंगे। एलटी को पूरी तरह आर्थिक रूप से समृद्ध करना है और मेडिकल के सेक्टर में चारों तरफ काम करना है, ट्रेनिंग कराना है, स्किल कराना है, सरकारी स्तर पर नियुक्ति करानी और मेडिकल कॉलेजेस। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जब तक नरेंद्र मोदी जी नहीं हुए, इसके पहले हमारे सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो जिस सरकार में आदरणीय सीपी ठाकुर जी मंत्री थे, उसी सरकार ने फैसला लिया, 1 एम्स होता था पूरे देश, 6 एम्स बनाया गया और आज मोदी जी ने उसको 22 करा दिया। आप सोचिए कहां 6 और 6 से 4 गुना, लगभग 4 गुना काम मोदी जी कर रहे हैं। आगे भी हमको यह संकल्प लेना होगा, मेडिकल कॉलेजेस प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में स्थापित हो, लगभग 16-17 जगह हम बनाने में सफल हो चुके हैं और एकदम फिक्स है 40 लोकसभा 40 मेडिकल कॉलेज स्थापित करना है। तभी तो बिहार पड़ेगा, बिहार के लोग क्यों पटना आएंगे, तो अपने जिले में फैसिलिटी उनको मिले, स्किल बच्चे खड़े करने हैं, मेडिकल कॉलेज होंगे तो बच्चे डॉक्टर भी होंगे, नर्सेस नर्सिंग कॉलेज होगा तो नर्सेस बनेंगी, पारा मेडिकल ये सब चीजों को, फार्मेसी के कॉलेज, तभी तो हमारे दूसरे सेक्टर में जो उनको सहयोग करने वाले लोग हैं खड़े हो पाए। तो ये सारे काम को हम लोग को करना है, पूरी तरह संकल्पित है इस काम को भी करना, भारत को श्रेष्ठ बनाना है। लेकिन जो आज विषय है वो है सुझाव देना। आप लोग ग्रामीण चिकित्सक भी यहाँ पर हैं, डॉक्टर भी हैं, टेक्नीशियन भी हैं, ड्रेसर भी हैं, नर्सेस भी हैं, सब लोगों से आग्रह करेंगे कि आप अपना सुझाव दीजिए और सुझाव के लिए पेटी यहाँ पर रखी गई है, तो सब लोगों का सुझाव लीजिए। देखिए आप जो सुझाव, जरूरी नहीं कि हम जो जान रहे हैं वही सब जान रहा है, आपके सुझाव आएंगे, अच्छे सुझाव आएंगे। अभी तो 2 दिन पहले देखा होगा आपने भी, पारा मेडिकल काउंसिल भी हमने खड़ा किया, तो चीजों को स्थापित करना है, पूरा एक व्यवस्था खड़ा करना है। भारत श्रेष्ठ तभी होगा जब आर्थिक रूप से तो समृद्ध हो ही रहा, स्वस्थ भारत होगा और स्वस्थ भारत आपके चाहिए। इसलिए अच्छा सुझाव दीजिए, चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक में आज हमको आने का मौका मिला और गार्जियन से भी, बीच में बीमार हो गए थे तो हम लोग गए थे, अब तो स्वस्थ है और भगवान से कामना भी करते हैं कि आगे भी स्वस्थ होकर हम लोग को आशीर्वाद देते रहे और पूरी तरह यह चिकित्सा प्रकोष्ठ बिहार के समृद्धि के लिए काम करता रहे और आपके अच्छे सुझाव से हम संकल्प बना सके, संकल्प के माध्यम से देश श्रेष्ठ हो और बिहार श्रेष्ठ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण चिकित्सकों का कार्यक्रम चल रहा था अटल सभागार में और सम्राट चौधरी ने उसे संबोधित किया। आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने एक बात कही कि हम चाहते हैं कि हमारी बहनों के लिए नर्सिंग कॉलेज बन जाए। सम्राट चौधरी ने एक बहुत बड़ी बात और कही कि मात्र महीने दिन ही नहीं, हफ्ते दिन में करीब 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बिहार में बन गए। आखिर 17 महीने क्यों रुका था, तेजस्वी यादव ने क्यों रोक के रखा था। सबसे बड़ी बात उन्होंने एक और बात कह दी कि हमने आते ही पारा काउंसिल का गठन कर दिया। आपको याद होगा कि पारा काउंसिल के, पारा मेडिकल के जो छात्र हैं वो इसी भाजपा ऑफिस में भाजपा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिल के आए थे और आज उन्होंने यहाँ से अनाउंस कर दिया कि हमने पारा मेडिकल काउंसिल का गठन कर दिया। यानी कि जो छात्र इधर से उधर भटक रहे थे अब वो भटकने नहीं पाएंगे।